Sometimes it so happens that the borrowers and the lenders agree to fix up a certain unit of time, say yearly or half yearly or quarterly. जी हाँ सर, बिल्कुल मुमकिन है। आज मैं आपके लिए धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट के, चक्रवृद्धि ब्याज के। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे दोस्तों, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आप लोग पेन कॉपी पकड़ के सीधे हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के सफर में चलिए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, मैंने पहले पार्ट में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताया है दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक दोस्तों। मान लीजिए कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज में 1,000 रुपये 10% की दर से, रेट से, मैं 2 साल के लिए पैसे लिए दोस्तों, ठीक। तो 1,000 को मैं 10% के दर से पहले साल मुझे 100 रुपया, ठीक दोस्तों, देना पड़ेगा। और दूसरे साल 1100 और 100 में दूसरे साल मुझे 110 रुपये देना पड़ेगा, ठीक दोस्तों। तो इसी तरह मुझे 2 साल में टोटल कितना देना पड़ेगा, 210 रुपये देना पड़ेगा, ठीक। अच्छा समझे दोस्तों, एकदम कॉन्सेप्ट है। इसे समझने के बाद आप जितना भी 3 माह 6 माह 1.5 साल 2.5 साल 3 साल 4.5 जितना भी है और जितना भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, इस कॉन्सेप्ट से आपका निकल के आएगा हर आंसर दोस्तों 3 सेकंड के अंदर में। चैलेंज रहा दोस्तों, ठीक। तो अच्छे से समझिएगा, ठीक। पहले साल 100, दूसरे साल 110, दोनों के एड किए तो 2 साल में कितना, 210। तो इस 210 का मैं 2:1 लेके आया, 0 को मैंने हटा दिया दोस्तों, क्योंकि 0 है, ठीक। समझिएगा, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ठीक। इतना आप लोग समझिएगा। तो ये हो गया 2 साल का, ठीक। अब देखते हैं इसी तरह हम 3 साल के अगर निकालें तो क्या आता है। इसी तरह हमें 3 ईयर्स का निकालें तो पहले साल 1,000 बराबर 100, दूसरे साल 100 / 10 तो कितना आएगा, 110। अब तीसरे साल हमें कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, तीसरे साल 110 इसके साथ में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1210 रुपये। तो 1210, अगर इसको नहीं समझोगे तो पहले पार्ट में मैंने अच्छे से समझा रखा है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। 1210 / 100 * टोटल कितना, 121। अगर देखें कि 3 साल में हमें कितना पैसा देना है तो 133, ठीक। कितना, 331 रुपये हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 साल का अगर होगा तो। और पहले साल में कितना था, 210, तो दूसरे 2 साल में हमने 210 निकाला, वही 210 के रेशियो हम कितना बनाए थे, 2:1 का। अब तीसरे साल में हम बनाएंगे रेशियो 3:1 का, ठीक। ये हो गया आपका 3 साल का रेशियो और मैंने 2 साल का बताया, ठीक। इसी तरह 4 साल का भी निकल के आएगा, लेकिन मैं उसे शॉर्टकट में बताता हूँ, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक। 4 ईयर्स का आपका होगा
4:6:4:1 ठीक। 3 ईयर का कितना निकल के आया आपका दोस्तों, 3:3:1। और 2 ईयर का कितना निकल के आया, 2:1। आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको टेबल देखने की ज़रूरत है, कोई आपको ऐसा ट्रिक नहीं बताया होगा जिससे कि धांसुदार ट्रिक मैं लेके आया हूँ दोस्तों। बस ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है, 4 साल का कितना 4:6:4:1, 3 का कितना 3:3:1, 2 का कितना 2:1। बस यही है दोस्तों, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन बन के आएगा दोस्तों। कैसे बनेगा आप लोग देखिए क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन जिसमें कहा है 2000 की धन राशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक, तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक से आंसर लेके आएंगे दोस्तों। इसमें लॉन्ग ट्रिक में आप फॉर्मूला याद करेंगे, ऐसे करेंगे फिर 1+R/100, फिर जितना भी ईयर्स रहेगा ये फिर सॉल्व करते जाएंगे, फिर हमारा समय ऐसे ही निकलते जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया है, राशि जो है 2000 की है, 2000 रुपये उधार लिया चक्रवृद्धि ब्याज पे, कितने पे दर पे, 5% वार्षिक दर से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक दोस्तों, हमारा जो रेशियो 2 साल का मैंने जो बताया था वो क्या था दोस्तों, 2:1। ठीक, अच्छे से समझिएगा, 2:1 था। ठीक, 2 साल के लिए 2:1 था, इसको अभी बिल्कुल भूल जाइए, केवल साल देखिए कि 2:1 था। अब देखिए दोस्तों, 5% का 2000 रुपये का 5% क्या होगा, 2000 का 5% क्या होगा, 20 पंचे कितना होगा, 100 होगा। तो 2000 का 5% कितना निकल के आएगा, 100। ये पहला स्टेप फॉलो करिएगा दोस्तों, 100 आया। ठीक, 100 आने के बाद में ये 5% 100 रुपये का कितना होगा, 100 रुपये का 5% आपका कितना निकल के आएगा, 100 का आपका 5% आप निकालेंगे तो केवल 5 ही आएगा, ये फर्स्ट के नीचे में मैंने रखा। ठीक, अच्छे से समझिएगा, देखिए 2000 का 5% हमारा 100 आया, पहले इसको फॉलो किए, फिर इस 100 जो आया है उसको फिर 5 से हमने डिवाइड किया। ठीक दोस्तों, ये गया। अब ये निकल के आने के बाद में इसके साथ में हमें इनटू कर देना है, तो 100 × 2 200 और ये कितना है, 5, और इन दोनों को जोड़ देना है तो हमारा कितना निकल के आएगा, 205। ठीक, और 205 हमारा 201, 203 HC इसका आंसर है। उतना बड़ा फार्मूला से बचने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक लेके आई दोस्तों, जिसमें जो हमें 5% दिया है 2000 का, तो 2000 का 5% 100 रुपये निकाल के आए, इसी 100 का एक बार और 5% किए तो 5 रुपये हुआ, इन दोनों रेशियो के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया, 2 × 100 200, 1 × 5 5, और दोनों का 8 किए तो हमारा 205 आंसर निकल के आ गया। बस दोस्तों, एक बार आप कोशिश कीजिए, दूसरे बार में आपका सेकेंडों में आंसर आना चालू हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब कि हर 6 महीने में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा 1,60,000 के ऊपर 2 साल तक। ठीक, तो वही चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आएगा, हमें कितना देना होगा। ठीक,
मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बताया दोस्तों, एक बार आप लोग ट्राई करिए निकाल के कि कैसे ये निकलेगा। मतलब यहाँ पे दिया है हर छः माही, मतलब ये साल होता है कितने का, 12 महीने का, ठीक। तो 6 महीना मतलब आधा, ठीक। तो ये 6 माही का मतलब 1/2 होगा दोस्तों। अब हमें क्या पता है हमारा अमाउंट, मतलब हमारा प्रिंसिपल पता कितना, 1,60,000, ठीक। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने परसेंट में, 10% की दर से 2 ईयर के लिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे हर 6 माही दिया हुआ है दोस्तों, मतलब हर 6 महीने में हमें चक्रवृद्धि ब्याज चुकाना है। तो हर 6 महीने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस दर को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 दिया है, मतलब इस दर को 2 से डिवाइड करेंगे और ईयर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 5 और ये निकल के आएगा 4 ईयर, ठीक। अब मैंने शुरू में आपको 4-3-2 ईयर का रेशियो बताया था। तो 4 का क्या रेशियो था, 4 का रेशियो था 4-6-4-1, यही तो रेशियो था हमारा दोस्तों, ठीक। आप एक बार ट्राई करिए, आपका आराम से याद हो जाएगा जो भी रेशियो है, जितना भी दिया है वो दोस्तों, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1,60,000 का हमें 5% निकालना है। तो 1,08,540 तो 1,60,000 का हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों, 8,000, ठीक, 8,000। अब इसी 8,000 का फिर से हम 5% करें तो क्या निकल के आएगा, 8×5=40, मतलब 400 निकल के आया। अब उसी 400 का फिर हम जितनी हमारा रेशियो दिया है वैसे हम इसको 5 से हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो 400 का 5% आपका कितना निकल के आएगा दोस्तों, 400 का देख लीजिए कितना निकल के आएगा, तो आपका 20 लगभग 5×20 आएगा, ये हो गया। और 20 का 1% तो कितना होगा, 1 होगा। 20 का हम 5% निकाले, 5×25 तो 1 आ गया दोस्तों, ठीक। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई में, 8×32, 6×24 80 और 1 का 1, तो 1,84,43 कितना निकल के आया दोस्तों, 34,481, 34,481 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, ठीक, 2 साल में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, कितने का, हर 6 माही दे पर, हर 6 महीने पे देने पर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं नए प्रकार के दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जिसमें बोला है 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। हमने उसमें 6 माही देय पड़ी थी, हर 6 महीने में चुकाना था। अब इस बार हर 3 महीने में हमें पैसा चुकाना है। तो इसके लिए 3 महीने के लिए क्या, 12 साल में 3-3 का अगर डिवाइड किए हैं तो कितने बार आएगा, 4×4=12, ठीक ना। तो हमें क्या दिया है कि 1,25,000 रुपये हमने लिए 8% वार्षिक दर से, तो 8% के दर से 9 माह के लिए दोस्तों, ठीक। तो टोटल कितना होता है, 4×12 का, तो हम 9 मंथ में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, और 4 का यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो क्या निकल के आएगा, ये कटेगा तो 2%,
और ये 9 चौक 36 मंथ। अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 12 या 36 मतलब 3 ईयर्स आपका निकल के आ गया। ठीक, तो अब आप लोग अच्छे से समझिएगा कि मैंने 3 का क्या रेशियो निकाला था, 3:3:1 रेशियो निकाला था। ठीक, तो पहला हमारा स्टेप क्या है, 125,000 का 2% कितना होगा, 125,000 का 2% आपका होगा 2500 रुपये। ठीक, 2500 रुपये होगा। अब 2500 का 2% कितना आएगा, अब दूसरा स्टेप है, ये हो गया आपको पहला स्टेप। अब देखते हैं इस 2500 का यहाँ पे सेकेंड स्टेप, इस 2500 का हमारा फिर से 2% अगर निकालें तो कितना आएगा, 50 आया ना जी। अब उसी का 50 का 2% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 का आप 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आया इस तरह से। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 25 + 75 = 150 और 1 = 1 तो 1 हो गया, ये 5 हो गई, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया दोस्तों, 7651 आपका आंसर निकल के आ गया दोस्तों। ठीक, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, ये मेंस एग्जाम में या तो बैंकिंग फील्ड में या तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसे आप लोग अच्छे से समझिए, इसे मैं लॉन्ग कट विधि से बना के दिखाऊंगा। ठीक, अच्छे से समझिएगा, आपके मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी धन का 12% वार्षिक दर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। तो हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें मूलधन नहीं दिया है, क्या दिया है, दर दिया है 12% दर दिया है, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। ठीक, और हमें क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 180 रुपये, और हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक, इतना समझ गए, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, ये निकालना है हमें, इतना दिया है तो हमें मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, इसे आप एक बार में सॉल्व कर लीजिए या तो एक एक करके भी कर सकते हैं। तो CI बराबर क्या होता है, तो P × 1 + R/100N होता है दोस्तों। ठीक, तो इसमें अगर हम सो करेंगे तो P तो हमें दिया नहीं है, 1 + R कितना दिया, 12 दिया है, ये कितना है, 100 हो गया, कितने सालों के लिए, तो हमें 2 सालों के लिए दिया है। ठीक, तो हम इसे देखेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, P × 28/25 आएगा, और 28 का मैंने आपको नंबर सिस्टम कैलकुलेशन में पढ़ा रखा है, शॉर्ट ट्रिक कैसे आप यूज करेंगे, तो आप लोग उसे देखिएगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो 28 का 28 कितना आएगा, 784 आएगा, तो 784 पी और 25 कितना, 625, ये हमारा पहला इक्वेशन निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि इसके माइनस में भी पी होता है। ठीक, तो इसे हम पूरा सॉल्व करते हैं, 784P/625 इधर सुधर गया तो ये कितना हो गया, तो 625P ये माइनस में। ठीक, अब 784 और 625 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा,
159P/625 ये निकल के हमारा आ गया। अब हमारा साधारण ब्याज कितना है तो हमें पता है 12 × 24 24/100 तो 12/25 6P/25 निकल के आ गया 6/25। अगर और हमारा साधारण ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 159P/625 कितने के अंतर में 180 के। हमने इसको सोल्व किया है अभी लेकिन हमारा मूलधन नहीं निकला, इसको करने के लिए ये चीज़ आ गया दोस्तों। अब देखते हैं इसे सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक ना, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए 159P/25 75 - 150P/180 वो हो गया दोस्तों। तो हम उधर 120 ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180 × 625 ये आ गया। अब ये आने के बाद में हमारा कितना बच गया 9, ठीक ना, हमारा कितना बच जाएगा 9P बच जाएगा जब इसे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 9P/180 × 625। अब P हमें निकालना है तो 180 × 625 / 9, 9 × 2 = 18 और 625 × 1250 P=2 कितना है 1250 और एक जीरो यहाँ पे है मतलब 12500 हमारा आंसर मूलधन होगा, ठीक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों, ठीक। आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, थैंक यू।